नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल गुजरात में जाकर राजनीति के चलते जिस तरीके से बयान दे रहे थे कि महाराष्ट्र के रहने वाले सीआर पटेल को यहां गुजरात का अध्यक्ष बना दिया गया है, क्या बीजेपी को कोई गुजराती नहीं मिला था? या तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो किस तरीके से क्षेत्रवाद की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? शुरुआत करते हैं सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष त्रिपाठी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हूँ। मैं एक लाइन से शुरुआत करूँगा, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीरता भारतवासी। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात पर चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कामरूप से लेकर कच्छ तक पूरा भारत एक भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पर हमको विश्वास करना चाहिए। आप जिस पीछे की चर्चा कर रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कल गुजरात गए थे, उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो अध्यक्ष बनाया है वो गुजरात का नहीं है। मैं सबसे पहले उन्हीं के ऊपर सवाल करना चाहता हूँ। दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल खुद, उनका जन्म हरियाणा में हुआ, वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहे और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। ये जो व्यक्ति खुद जिस प्रदेश का नहीं है और दूसरे प्रदेश में आके मुख्यमंत्री बना है, वो कैसे किसी दूसरे पर प्रश्न उठा सकता है? मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और देश के आम लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि ऐसे घृणित मानसिकता के व्यक्ति का हमको तिरस्कार करना चाहिए। उनका दिल्ली में कोई किसी, आप चाहे शिक्षा के मॉडल को देख लीजिए, चाहे उनके किसी मोहल्ला क्लिनिक को देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते लेटते हैं, वहाँ पर लोग पेशाब करते हैं, एजुकेशन मॉडल पर पूरी उसकी हालत जो है बद से बदतर है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वो कॉलेज दिल्ली सरकार के द्वारा पोषित है, वहाँ से उसको फंड मिलता है, लगातार फंड कट करते हैं उसमें, दिल्ली के उस विश्वविद्यालय के उन कॉलेजेस में कर्मचारी, शिक्षक और तमाम लोग जो हैं प्रताड़ित होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की हमको निंदा करनी चाहिए, ऐसी व्यक्ति का हमको खुल के विरोध करना चाहिए जो राष्ट्रवादी विचारों पर हमला करता है। ये केवल किसी व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये एक राष्ट्रवादी विचार पर हमला है और हम इस बात की निंदा करते हैं, इस बात की पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं। बाकी हमारे जिस तरीके से क्षेत्रवाद की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये क्षेत्रवाद की राजनीति काम आएगी हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात में अरविंद केजरीवाल? देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल 2011 में आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति, उन्होंने ईमानदारी का इतना बड़ा सर्टिफिकेट उन्होंने देश के सामने रखा, लोगों को लगा कि एक ईमानदार व्यक्ति जो है इस देश को बदलने के लिए आ रहा है। लेकिन केजरीवाल से बड़ा झूठ जो है इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने देखा होगा, उन्होंने दिल्ली में जब सरकार बनने से पहले जब दिल्ली की चुनाव आया, उन्होंने घोषणा किया था कि मैं अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, अच्छा शिक्षा दूंगा, बिजली दूंगा, पानी दूंगा, तमाम ऐसे घोषणाएं थी जिन्होंने उन्होंने किया था। लेकिन आज मुझे बताइए, एक भी वायदा जो उनका था कहीं पे उन्होंने खरा उतरा किया? उन्होंने कहा था कि स्कूल मैं अच्छा दूंगा, क्या उन्होंने आज तक एक भी स्कूल बनाया क्या? उन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाऊंगा, एक भी स्कूल नहीं बनाया। उन्होंने कहा था कि मैं कॉलेज बनाऊंगा, कॉलेज भी नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि नई बस लेकर दूंगा, क्या कोई बस लेकर आया क्या? सिर्फ झूठा आरोप लगाना उनका, झूठा, देश को बांटने का काम करता है केजरीवाल जी। आपने हिमाचल की बात की, हिमाचल में उनका पूरा जो आम आदमी पार्टी का जो पिछले 8 साल से जो काम कर रहे थे, पूरे अध्यक्ष सहित उनकी नीति और नियत को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छी सोच के को देखते हुए पूरी टीम जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और हिमाचल की में तो हिमाचल में वो कुछ नहीं, पिछले अभी 5 चुनाव हुआ 5 स्टेट में जमानत जब्त हो गया जब छोड़ के, तो उनका जो हालत है वो गुजरात में नहीं चलने वाला है, क्योंकि सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं केजरीवाल जी। और उन्होंने जाके अभी गुजरात में कहा कि मैं गरीबी जो है बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। अरे भैया, जहां आपकी सरकार है पहले आप वहां की गरीबी दूर करो। उन्होंने अभी पंजाब में भी वायदा किया कि दारू मुक्त को ख़त्म कर दूंगा। दिल्ली में आप देख लो, एक के साथ एक फ्री दे रहा है वो। और उसमें भी सबसे दुख की बात यह है कि जहाँ पर रिहायशी इलाका है वहाँ पे उन्होंने दारू का ठेका खुलवाने का काम किया। देश की जनता और दिल्ली की जनता को पूरा मालूम है कि आगे आने वाला चुनाव में उसके साथ क्या हल करेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। मैं केजरीवाल जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो अभी पटियाला में खालिस्तानियों ने हिंदुओं के मंदिर में पथराव किया या तलवारों से वार किया, उस पर उनका अब तक कोई कमेंट नहीं आया है, वो कमेंट उनको देना पड़ेगा। और जो बात करते हैं शिक्षा की, ये जो पीटते हैं ढोल जाके दूसरे राज्य में, एक बार इनसे ये पूछे कि जो
कॉलेजों में पढ़ाते हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं और जो फंड करती है दिल्ली सरकार, कितने शिक्षक को किस दिन ये सैलरी देते हैं, वो सैलरी का क्वेश्चन है। और मैं जैसे विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में रहता हूँ, वहाँ पे जहाँ पे 20,000 बच्चा रहता है, वहाँ पे दारुओं के 100-100 मीटर पे ठेके खोले हैं केजरीवाल ने, और 1+1 मिलता है। और ये कैमरे की बात करते हैं, वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में आप किसी थाने में जाइए, मॉडल टाउन में जाइए, इतना क्राइम बढ़ चुका है, बच्चों के फोन स्नैच होते हैं वहाँ पे। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों की बात करूँगा, ये मेरा मुद्दा है। बताइए, आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, मेरा एक सवाल है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्षेत्रवाद की राजनीति को इतने ज्यादा तूल क्यों दे रहे हैं, क्यों क्षेत्रवाद पर राजनीति कर? उनको सिर्फ राज चाहिए और राज के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जहां भी वो जाते हैं झूठ बोल के जो कुछ वोट उनको मिलते हैं वो ले लेते हैं, ये मेरा विषय है। और मैं सबसे पहले, अगर वो पटियाला पे कुछ कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कुमार विश्वास जी ने उनको कहा था कि वो खालिस्तानी सपोर्टर हैं, ये बात सच है। वहाँ क्यों हुआ और उसका क्या उनका रिजल्ट दिया उन्होंने, वो पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर यूज करके हरियाणा और सारी जगह वो घूम रहे हैं, गुजरात में घूम रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? और मैं शिक्षा की बात ये करना चाहता हूँ, बाहर से पुलिस करने से अच्छा शिक्षा नहीं होता है। आप कॉलेजों में जाइए, टीचरों से पूछिए वहाँ पे कि उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती है, 8-8 महीने में तनख्वाह मिलती है। और रही खेल की बात, एक मेडल मुझे दिखा दीजिए खेल में दिल्ली सरकार कोई लेके आई हो। बच्चों के लिए 20-20 किलोमीटर तक ग्राउंड है और वो ग्राउंड भी बंद रहते हैं, खुले नहीं रहते हैं। बताओ कौन सा गेम में इनका मेडल आता है, बताइए आप मुझे। एक अभी सीनियर नेशनल हॉकी का हुआ था, उसमें भी इनका मेडल नहीं है, दूसरा तीसरा मैच हार के दिल्ली यहाँ पे बैठती है। बताइए, अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से हैं, आज कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी को कोई और गुजराती नहीं मिला, क्या दिल्ली की जनता ये सवाल नहीं कर सकती? दिल्ली की जनता सवाल करेगी, ये मौका दिया था इनको अच्छा करके दिखाने का, ये पूरा फेलियर है इनका। अगली बार ये 0-0 हो जाएंगे, जो इन्होंने खेल खेलना था खेल लिया। एक बात है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है उसको एग्ज़ाम देना होता है, ये एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब इन्होंने जब तक एग्ज़ाम नहीं दिया था तब तक इनकी सरकार आ चुकी थी। मीन्स मेरा मतलब आप समझ गई होंगी कि जब राजनीति लोगों ने, दिल्ली की जनता ने इनको CM बना दिया, लेकिन उसमें टोटल फेलियर हो रहे हैं। क्योंकि देखो, देश का हो, घर का हो, कोई भी मुखिया नहीं चाहेगा कि मेरा परिवार का आदमी दारू पिए, शराब पिए। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से एक पूछना चाहता हूँ, एक सवाल कि क्या सोचकर उन्होंने एक के साथ एक फ्री किया और जगह जगह इन्होंने ठेके खुलवाए, क्या सोचकर? ये सोचकर कि हर दिल्ली का हर आदमी नशेड़ी हो जाए और अपने परिवार को भूल करके सिर्फ नशे में मस्त रहे। क्षेत्रवाद की राजनीति क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर? देखिए, मैं बताऊं आपको, इनकी ये मनसा जो है ना, इनके महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है। ये चाहते हैं कि देश का मैं प्रधानमंत्री बनूं, यही महत्वाकांक्षा इनको जगह जगह हर स्टेट में ले जा रही है। लेकिन ये भूल गए हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राजा बनने के लिए बहुत कुछ अपने आप में होना चाहिए, वो इनमें है ही नहीं। ये दिल्ली में जब वो आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा, उस आंदोलन के सहारे ये दिल्ली की जनता में पैठ जमा गए और उनके सहारे ये जीत गए। लेकिन आज ये लोग उनको ही भूले पड़े हैं। ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं बार बार, पर कभी चरखा चलाया जाता है तो कभी तमाम चीज़ें की जाती हैं, जिस तरीके का अरविंद केजरीवाल का मॉडल दिल्ली में है, क्या गुजरात की जनता मौका देगी अरविंद केजरीवाल? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि दिल्ली के अंदर जो है ना, कोई मॉडल है ही नहीं केजरीवाल का। केजरीवाल जी हमेशा झूठ बोले हैं और वही झूठ को जो है वो गुजरात में परोसना चाह रहे हैं। लेकिन गुजरात की जनता बहुत होशियार है और वहाँ की जो जनता है वो इससे पहले जो है डेवलपमेंट देखा है। मोदी जी की सरकार वहाँ 15 साल रही है, मोदी जी ने जो काम किया, मोदी जी का जो विकास का काम था, आज वो पूरे देश में और वर्ल्ड में जो है फेमस है। उस विकास को जो है कोई भी दल हो उसको तोड़ नहीं सकता है। और जहाँ तक बात आपने कहा कि उनकी जो है क्षेत्रीय राजनीति करने का, सिर्फ केजरीवाल जी का एक ही मकसद है कि मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बनूं और इस देश को बांट के एक अलग देश कैसे बनाऊं, उनका एक ही मकसद है। और उसका ठीक उनके साथी कुमार विश्वास जी ने अभी आज से कुछ दिन पहले
बोला था कि उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब को अलग करके एक देश बनाना चाहता हूं, तो कुमार विश्वास जी ने कोई गलत बात नहीं बोला, वो 100% सत्य बोला। और आज कोर्ट का भी आदेश आया कि उसके ऊपर कोई राजनीतिक नहीं हो, क्योंकि ये सच है, क्योंकि कि कुमार विश्वास जी अरविंद केजरीवाल जी का बहुत ही विश्वास दोस्त था उनका, तो उनसे ज़्यादा और किसी को कैसे पता होगा कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो कुमार विश्वास जी को उनकी सच्चाई पूरा मालूम है कि केजरीवाल जी जिस प्रकार से पूरे देश को बांटने का काम करना चाह रहा था, उस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार पर ये कहते हैं कि बीजेपी को कोई और राज्य से मुख्यमंत्री नहीं मिला या फिर अध्यक्ष नहीं मिला, सीआर पटेल को क्यों बनाया गया, वो तो महाराष्ट्र से आते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल भारत को भारत नहीं मानते, जो हमेशा क्षेत्रों को लेकर बोलते हैं कि ये तो यहाँ से है, ये तो यहाँ से, भारत तो एक है, कोई भी कहीं से भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी तो हमारे ऐसे ही हैं, तमाम तरीके से राजनीति चलती है, तो आज सारी चीज़ों को लेकर इस तरीके से राजनीति क्यों की जा रही है? देखिए, केजरीवाल जी खुद अपने आप अपने अंदर झांक के देखें कि वो रहने वाले हरियाणा के हैं, रहते गाजियाबाद में हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, तो खुद अगर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले चार उंगलियां अपने ऊपर उठता है, तो खुद अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो खुद पहले अपने अंदर झांक के देखें कि वो क्या है, वो कितना बड़ा झूठा है, फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। और जो अभी गुजरात के अध्यक्ष हैं, वो भी तो महाराष्ट्र से गए हुए हैं, तो ये तमाम ऐसे उनके अध्यक्ष हैं या उनके नेता हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये केजरीवाल के जितने भी हैं, ये सारे विधायक या एमपी, ये सारे गुंडे मवाली को जो है उन्होंने पास पोल के बड़ा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।